देखो आज के समय यूपीआई के अलावा भी इंडिया का रुपए कार्ड दुनिया में धूम मचा रहा है। दुनिया के कई देशों में रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने रुपए कार्ड को भूटान में लॉन्च किया और अभी पिछले साल ही रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करने वाला पहला वेस्टर्न देश फ्रांस बना। फ्रांस काफी इम्प्रेस्ड है भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई को लेकर। भारत बहुत ही जल्द रुपए कार्ड और यूपीआई को ग्लोबल बना देगा, इसका अंदाजा आप इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस की ये स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। पहले आप इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अमेरिका क्यों हेट करता है रुपए कार्ड से और कैसे रुपए कार्ड अमेरिका की डोमिनेंस के लिए खतरा बन चुका है। मैं जब इसके पहले सिंगापुर में था तो मैंने प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली कि रुपए और भीम क्यूआर पहली सिंगापुर में लॉन्च हुआ। रुपए डोमेस्टिक भी अब वहाँ पे चल सकता है। हमने वहाँ यूपीआई और उनके सिस्टम को भी जोड़ दिया है तो इंटरऑपरेबल हो गए। मेरा मानना है कि पेमेंट के क्षेत्र में हम यूरोप से बहुत आगे हैं और यूरोप जहाँ यूरोपियन यूनियन जहाँ 27 देश हैं, अनेक अलग अलग भाषाएं हैं और कहीं कहीं अलग अलग रेगुलेशन भी हैं, तो यूपीआई के जो अनुभव है हमारा कितना सुरक्षित है, कितना तेज है, कितना आसान है और बिना किसी पैसा का खर्च किए किया जाता है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि यूरोप में इसको हम इसका प्रचार कर सकते हैं और यूरोप में इसको हम ला सकते हैं। और मेरे यहाँ आने के बाद मेरा ये प्रयास रहा है कि यूपीआई यहाँ पे जल्द से जल्द इसका प्रयोग शुरू हो जाए। इसके लिए काम करना होगा यहाँ पे सेंट्रल बैंक के साथ, यहाँ के रेगुलेटर्स के साथ और यहाँ की कंपनियों के साथ काम करना होगा। लेकिन कल इसकी पहल हुई है और आपने देखा NPCI इंटरनेशनल और इसके साथ यहाँ की एक कंपनी लायरा ने मिलकर एक MOU साइन किया है और उन दोनों को बड़े उत्साहित हैं कि इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। आज के समय जैसे जैसे रुपए कार्ड ग्लोबल बनता जा रहा है, इसका डायरेक्ट असर US की डोमिनेंस पर पड़ रहा है। देखो आज से लगभग 10 से 12 साल पहले इंडिया में कुछ गजब ही हुआ करता था। तब के समय में इंडिया में जितने भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे वो सभी US की कंपनी वीजा या मास्टर कार्ड के हुआ करते थे। यानी अमेरिका की ये दोनों कंपनी इंडिया की मार्केट में 99% राज किया करती थी। तब के समय में इंडिया के फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम में पूरी तरह से US का कब्जा हुआ करता था और इससे अमेरिका कंपनी इंडिया से काफी मोटा मुनाफा भी कमाती थी। ये क्या करती थी कि हर एक ट्रांजेक्शन में 3-4% का शेयर रखती थी। यानी इनके कार्ड के थ्रू अगर कोई 10,000 की पेमेंट किसी को देता था तो ये बैंक से उस पेमेंट को सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए 1-3% का चार्ज किया करती थी। तब न बैंकों के पास और न ही लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। जब इंडिया में पीएम मोदी ने ब्लैक मनी से लड़ने के लिए 500 और 1,000 की नोट को बैन कर दिया था, तब इंडिया का दुनिया भर के कई न्यूज चैनल मजाक बना रहे थे। वो कह रहे थे आखिर कैसे 130 करोड़ लोग बिना कैश के रहेंगे। और ये वेस्टर्न मीडिया इसलिए भी इंडिया का मजाक बना रही थी क्योंकि तब इंडिया में इतना डिजिटल पेमेंट का रिवॉल्यूशन नहीं आया था। पहले आप जरा इनकी ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे रुपए कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड की हवा टाइट करके रखी है और इन दोनों को बचाने अमेरिका भी सामने आ गया। When the government abruptly pulled the two largest rupee notes from circulation, it was the 500 and the 1,000 rupee, and they actually account for 86% of all cash in the country. Richard, it's great to be here. How much of a disaster was this policy, not in its intent, but it in its execution? This is a very difficult moment for India. People throughout the country are struggling with substituting their old cash for new cash. Let me give you a sense of the scale of the problem. There's 1.2 billion people in India. Every single one of them is affected by this policy decision simultaneously. That's very rare in human history. Where do you see the cashless society of India, which is so much based, as you just pointed out, on small denominations, ordinary traders, ordinary people, frankly, money in a sock under the bed in most cases. Right. Where do you see the growth potential? Almost everyone in India has a reservoir of cash in the home that they're now trying to exchange for new currency. But what the government's trying to do is to force everyone into the banking system at even an elementary or entry level and to force digital transactions. And there's a lot of reasons for it. देखो ये रिपोर्टर काफी चिंतित था कि इंडिया के डिमोनेटाइजेशन के बाद लोग कैसे पेमेंट करेंगे, लेकिन आज देख लो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन एक रोल निभाया था इंडिया के डिजिटल पेमेंट के रिवोल्यूशन के लिए। जहां आपसे लगभग 10 साल पहले
पहले इंडिया वीजा और मास्टर कार्ड पे बिल्कुल डिपेंडेंट था, वहीं आज रुपे कार्ड इतना बड़ा बन चुका है कि वीजा मास्टर कार्ड अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका की शरण में पहुंच गए। लेटेस्ट डाटा को देखे तो इंडिया की 60% मार्केट में रुपे कार्ड छाया हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए ट्रांजेक्शन फीस भी अब फ्री कर दिया। यानी रुपे कार्ड से अगर कोई 2000 के नीचे का ट्रांजेक्शन करता है तो उसको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। इसी को कराने के लिए वीजा और मास्टर कार्ड 103% का चार्ज करते हैं, वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने रुपे कार्ड पर ये फ्री कर दिया। इससे एट द एंड ये होगा कि रुपे कार्ड को तो लोग लेंगे ही पर बैंक भी इसको प्रमोट करेगा, जिससे वीजा और मास्टर कार्ड की इंडिया में मार्केट खत्म हो सकती है। इसीलिए तो वीजा और मास्टर कार्ड अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाकर अपना दुखड़ा रो रही है। इनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये अनफेयर है कि भारत सरकार रुपे कार्ड को प्रमोट करने के लिए ट्रांजेक्शन फीस को ही फ्री कर दिया, इससे हमारे पास कोई नहीं आएगा। लेकिन ये अमेरिकन कंपनी चाहे जितना झटपटा ले, बट अब धीरे धीरे रुपे कार्ड तो ग्लोबल बनता जा रहा है और यूएस जिसमें डोमिनेट करता था उसको आज ये रुपे कार्ड चैलेंज कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं यूएस को इसका दर्द तो होगा ही। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में वीजा और मास्टर कार्ड को टक्कर अपना रुपे कार्ड दे पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे।